सो हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000। अगर आपकी बजट है 20,000 रुपये और 20,000 की रेंज पर आप जुलाई 2021 पर कोई बेस्ट स्मार्टफोन परचेज करने की सोच रहे हैं, तो आज की इस वीडियो में आपको वो स्मार्टफोन्स देखने को मिलेंगे जो कि सबसे बेस्ट स्पेक्स के साथ में आपको अभी के मंथ पर देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको बहुत पहले के स्मार्टफोन्स नहीं बताने वाला जो कि लेटेस्ट डिवाइस आपको देखने को मिल जाते हैं काफ़ी बेस्ट स्पेक्स के साथ में, वो आपको 5 डिवाइसेस बताऊंगा। सो वीडियो बहुत ही ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगी, इस वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। सो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो गाइस, मैं 5 स्मार्टफोन्स बता रहा हूँ आपको, कंपेयर करके स्मार्टफोन्स नहीं बताऊंगा। जो स्मार्टफोन आपको सबसे बेस्ट लगे उसी को आप परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इस लिस्ट में सभी कंपनियों के स्मार्टफोन्स इंक्लूड किए हुए हैं, तो अपने हिसाब से आप कंपनी देखकर फोन को परचेज करिएगा। वैसे तो 5 स्मार्टफोन सभी स्मार्टफोन बेस्ट ही बताने वाला हूँ। सो गाइस, सबसे फर्स्ट नंबर के स्मार्टफोन की बात कर लें तो रेडमी की तरफ से देखने को मिलता है, जो कि आपको रेडमी का नोट 10 प्रो मैक्स स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। हालांकि आप अगर आपको कंप्लीट स्पेक्स वाला स्मार्टफोन चाहिए जिस पर आपको अच्छा कैमरा चाहिए तो इस स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा कैमरा ठीक ठाक होना चाहिए, मतलब उतना भी प्रो लेवल का नहीं होना चाहिए, तो आप रेडमी नोट 10 प्रो भी परचेज कर सकते हैं, थोड़ा सा आपको सस्ता देखने को मिल जाता है। बट अगर आपको 20,000 ही खर्च करना है और अच्छा स्मार्टफोन चाहिए जिस पर आपको कैमरा भी बहुत ज़्यादा प्रीमियम देखने को मिले, तो ये स्मार्टफोन आपके लिए सबसे बेस्ट स्मार्टफोन हो सकता है। इस स्मार्टफोन के डिजाइन एंड इस फोन के डिस्प्ले से बात करें तो बैक साइड पर आपको फुल्ली ग्लास बॉडी देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी सी डिज़ाइन देखने को मिल जाती है, क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। साथ में जो डिस्प्ले की बात कर लें, जो इस फोन की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है वो 6.67 इंचेस की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि फुल एचडी के रेजोल्यूशन के साथ में आती है, और साथ में सुपर एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है। अच्छी बात ये सेंटर पंच होल डिस्प्ले आपको इस स्मार्टफोन की देखने को मिलती है, तो नो डाउट डिस्प्ले में आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलती। एक एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जिसके वजह से कलर्स भी आपको बहुत ज़्यादा इस डिस्प्ले के बेटर देखने को मिल जाते हैं। साथ में इस प्रोसेसर की बात कर लें तो इस फोन पर आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 732G वाला प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा देता है। अगर आप गेमिंग भी करते हैं तो बहुत ही अच्छी सी परफॉर्मेंस आपको इस स्मार्टफोन की देखने को मिल जाती है। साथ में गाइस, कैमरास की बात कर लें, जो इस फोन के कैमरास देखने को मिलते हैं वो 108 मेगापिक्सल का आपको प्राइमरी कैमरा सेंसर देखने को मिल जाता है, जो कि क्वाड कैमरे के सेटअप के साथ में ये स्मार्टफोन आता है। 8MP का आपको सेकेंडरी कैमरा देखने को मिल जाता है, 2MP का एक लेंस देखने को मिल जाता है, और 5MP का एक कैमरा और भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कैमरा वाइज काफ़ी बेस्ट स्मार्टफोन आपको देखने को मिलेगा, कैमरा क्वालिटी आपको बहुत ही ज़्यादा बेस्ट इस स्मार्टफोन की देखने को मिलने वाली है, जो कि आप देख सकते हैं। साथ में हम बात करते हैं इस फोन की फ्रंट कैमरे की, तो 16 मेगापिक्सल का आपको फ्रंट फेसिंग कैमरा देखने को मिलता है, तो थोड़ा सा 32 मेगापिक्सल का देखने को मिलना चाहिए था, बट आपको 16 मेगापिक्सल का ही आपको कैमरा देखने को मिलता है फ्रंट। साथ में गाइस, 5020mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, जिसके साथ साथ आपको 33W का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर भी देखने को मिलता है। साथ में गाइस, 6GB की रैम देखने को मिलती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में उनका बेस्ट पॉइंट देखने को मिलता है, जिसकी प्राइसिंग आपको 19,999 रुपये देखने को मिल जाती है। तो 20,000 की रेंज का एक कंप्लीट स्पेक्स वाला स्मार्टफोन आपको ये देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस, हम बात करते हैं हमारी लिस्ट पर आने वाला सेकंड नंबर का स्मार्टफोन, जो कि आपको पोको की तरफ से देखने को मिलता है, पोको X3 प्रो। अगर आप गेमिंग करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गेमर हैं बड़े, तो इस स्मार्टफोन से बेटर स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि एक गेमिंग स्मार्टफोन ये आपको देखने को मिल जाता है। मैं रेकमेंड करूंगा अगर आप गेमिंग ही करते हैं तो ही इस स्मार्टफोन को आप परचेज करिएगा, बाकी ठीक ठाक स्पेक्स आपको देखने को मिल जाती है। खैर, इस स्मार्टफोन पर बेस्ट भी आपको देखने को मिल जाता है। सो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं डिजाइन एंड इस फोन के डिस्प्ले से, तो बैक साइड पर आपको इस स्मार्टफोन पर क्वाड कैमरा का सेटअप सेंटर पर देखने को मिलता है, साथ में पॉलीकॉर्ब ब्रांड की बैक देखने को मिल जाती है। साथ में इस डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.67 इंचेस की आपको फुल एचडी के रेजोल्यूशन के साथ में 120Hz की स्मूथ रिफ्रेश रेट वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि एक सेंटर पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में इस बैटरी की बात कर लें तो 5160mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, साथ में आपको 5G का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। कैमरास की बात कर लें तो 48MP का आपको क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है। हल्का सा कैमरा डिपार्टमेंट आपको कमज़ोर देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस की वजह से, बट परफॉर्मेंस स्मार्टफोन की बेस्ट होती है, तो कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल जाती है, तो नो डाउट कैमरा परफॉर्मेंस भी आपको काफ़ी बेस्ट इस स्मार्टफोन की देखने को मिलेगी। सेकेंडरी कैमरा आपको 8MP का देखने को मिल जाता है, 2 MP के दो लेंसेज और भी देखने को मिल जाते हैं, 20MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में जब हम बात करते हैं इस फोन की आपको प्रोसेसर की, कि कौन सा प्रोसेसर देखने को मिलता है, एक गेमिंग चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है, जो कि क्वालकॉम की तरफ से देखने को मिलता है। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 860 वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है,
जो कि ये 8 सीरीज़ का प्रोसेसर है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस आपको इस फ़ोन पर 6 GB की रैम देखने को मिलती है, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इस फ़ोन का आपको बेस्ट ब्रांड देखने को मिलता है, जिसकी प्राइसिंग आपको 18,999 रुपये देखने को मिल जाती है। तो अगर आप गेमिंग स्मार्टफोन तलाश रहे हैं कोई और अच्छा स्मार्टफोन तलाश रहे हैं तो इस स्मार्टफोन से बेस्ट स्मार्टफोन आपको शायद ही मार्केट पर देखने को मिले परफॉर्मेंस वाइज। साथ में गाइस हम बात करते हैं हमारी लिस्ट पर आने वाला थर्ड नंबर का स्मार्टफोन, जो कि आपको देखने को मिल जाता है आईक्यू की तरफ से, आईक्यू का Z3 स्मार्टफोन। ये स्मार्टफोन भी एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल डिवाइस देखने को मिल जाता है एंड 5G का सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करा देता है। इस फोन की डिजाइन एंड इस फोन की डिस्प्ले से बात करें तो बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप इस स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस हम बात करते हैं इस फोन की आपको डिस्प्ले की, तो 6.58 इंचेस की आपको इस फोन की डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि IPS LCD डिस्प्ले आती है और 120Hz का एक स्मूथ रिफ्रेश रेट आपको इस डिस्प्ले पर भी देखने को मिल जाती है, बट वाटर ड्रॉप नॉच के साथ में इस फोन की आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है। साथ में इस फोन के प्रोसेसर की बात कर लें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 768G वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि सक्सेसर आपको देखने को मिल जाता है 765G का, जो कि काफ़ी बेस्ट परफॉर्मेंस के साथ में आता है एंड 5G के सपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करा देता है। साथ में हम बात करते हैं इस फोन की बैटरी की, जो इस फोन की आपको बैटरी देखने को मिलती है वो 4400 mAh की बड़ी बैटरी तो देखने को मिल जाती है, हालांकि थोड़ा सा बैटरी कमज़ोर देखने को मिलती है, बट चार्जिंग टेक्नोलॉजी आपको काफ़ी ज़्यादा फास्ट देखने को मिल जाती है, काफ़ी ज़्यादा बेस्ट देखने को मिल जाती है। 55W का आउट ऑफ द बॉक्स आपको चार्जर भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन को बहुत ज़्यादा खास बना देता है। साथ में गाइस 64MP का आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, जिस पर आपको 10x का डिजिटल जूम भी देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ही अच्छी बात हो जाती है। 8MP का सेकेंडरी और 2MP का एक लेंस और भी देखने को मिलता है। 16MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस हम बात करते हैं इस फोन के रैम ब्रांड की, तो 6GB रैम देखने को मिलती है, 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इस फोन का आपको बेस्ट ब्रांड देखने को मिलता है, जिसकी प्राइसिंग आपको 19,999 रुपये देखने को मिल जाती है। तो 20,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन भी एक 5G डिवाइस आपको काफ़ी बेस्ट स्पेक्स के साथ में देखने को मिल जाता है, तो इस स्मार्टफोन को भी आप देख सकते हैं। साथ में गाइस हम बात करते हैं हमारी लिस्ट पर आने वाला फोन नंबर का स्मार्टफोन, जो कि आपको देखने को मिलता है रियलमी की तरफ से। हालांकि ये रियलमी का एक 5G डिवाइस देखने को मिल जाता है, हालांकि ये 16,000 की रेंज पर देखने को मिल जाता है, बट स्पेक्स जो काफ़ी बेस्ट इस प्राइस में प्रोवाइड करा देता है, इसलिए मैंने लिस्ट पर रखा है अपने टॉप 5 के। साथ में इस फोन की डिजाइन एंड फोन की डिस्प्ले से बात करें तो बैक साइड पर आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, काफ़ी अच्छी डिजाइन देखने को मिल जाती है। साथ में जो डिस्प्ले की बात करें तो 6.5 इंचेस की आपको 120Hz के स्मूथ रिफ्रेश रेट के साथ में डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। साथ में गाइस मीडिया टेक का डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा देता है एंड 5G के सपोर्ट भी आपको इस स्मार्टफोन पर देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस कैमरास की बात कर लें तो 48MP का आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, 8MP का सेकेंडरी कैमरा देखने को मिलता है और 2MP का एक लेंस और भी आपको देखने को मिल जाता है। साथ में गाइस 16MP का आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलता है, 5000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, 30W का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाता है इस स्मार्टफोन पर। साथ में जो इस फोन की प्राइसिंग आपको देखने को मिलती है वो 6GB रैम 64GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इस फोन का बेस्ट ब्रांड देखने को मिलता है, प्राइसिंग आपको 16,000 रुपये देखने को मिल जाती है। तो ये स्मार्टफोन भी एक बजट कैटेगरी में काफ़ी बेस्ट आपको 5G का सपोर्ट प्रोवाइड करा देता है और स्पेक्स भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, तो इस स्मार्टफोन को भी आप जाकर देख भी सकते हैं। साथ में जैसे हम बात करते हैं हमारी लिस्ट पर आने वाला लास्ट नंबर का स्मार्टफोन, जो कि आपको मोटोरोला की तरफ से देखने को मिलता है, Moto G60 स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। ये स्मार्टफोन एक स्टॉक एंड्रॉयड के साथ में आता है, काफ़ी अच्छी स्पेक्स आपको प्रोवाइड करा देता है, काफ़ी कम प्राइसिंग में आपको बेस्ट स्पेक्स वाला स्मार्टफोन आपको देखने को मिल जाता है। साथ में इस फोन के डिजाइन एंड इस फोन के डिस्प्ले से बात कर लें तो ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, साथ में आपको काफ़ी अच्छी सी डिजाइन देखने को मिल जाती है, फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने को मिलता है। साथ में जो डिस्प्ले की बात कर लें तो 6.78 इंचेस की आपको इस फोन की डिस्प्ले देखने को मिल जाती है, जो कि फुल एचडी के रेजोल्यूशन के साथ में आती है, विथ 120Hz का एक स्मूथ रिफ्रेश रेट भी आपको इस डिस्प्ले का देखने को मिल जाता है। साथ में इस प्रोसेसर की बात करें तो इस फोन पर आपको मिलता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 732GB वाला प्रोसेसर, जो कि काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस आपको प्रोवाइड करा देता है। साथ में 6000mAh की बड़ी बैटरी देखने को मिल जाती है, 20W का आउट ऑफ द बॉक्स चार्जर भी देखने को मिल जाता है, 108MP का आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिलता है, सेकेंडरी कैमरा आपको 8MP का देखने को मिल जाता है और 2MP का एक लेंस और भी देखने को मिल जाता है। साथ में 32MP का आपको फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी आपको कैमरा की भी देखने को मिल जाती है। साथ में हम बात करते हैं इस फोन के रैम ब्रांड की, जो इस फोन का आपको बेस्ट ब्रांड देखने को मिलता है वो आपको 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में इस फोन का बेस्ट ब्रांड देखने को मिलता है, जिसकी
प्राइसिंग आपको 17,999 रुपये देखने को मिल जाती है। तो 18,000 की रेंज का ये स्मार्टफोन भी एक बेस्ट डिवाइस आपको देखने को मिल जाता है, जिन पर आपको कंप्लीट स्पेक्स देखने को मिल जाती है। सो गाइस जितने कुछ टॉप 5 स्मार्टफोन्स अंडर 20,000 की रेंज के आज की डेट के सबसे बेस्ट स्मार्टफोन्स देखने को मिल जाते हैं, इनमें से आप कोई भी स्मार्टफोन परचेज कर सकते हैं, सभी बेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस वीडियो पसंद आते वीडियो को लाइक भी देना, प्लीज चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जो है प्रेस कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।